बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे रोगने जोश, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg मटन, 12 अदद बादाम, 6 अदद छोटी इलायची, 1 teaspoon सुरख मिर्च, 1 teaspoon काली मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 teaspoon नमक तकरीबन आधी से थोड़ी ज़्यादा, और लिया मैंने ऑयल, और एक आधा कप मैंने लिया है दही का, 1 बड़ी साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस में काट लिया, और लेंगे और साथ लेंगे हम क्योड़ा वाटर। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मटन में, हम ये सब चीज़ें ऐड करके इसको पीस लेना है अदरक को, और फिर इसमें डालते हैं हम, और ये योगर्ट। ये हम इसको मैरिनेट करके तकरीबन 3 या 4 घंटों के लिए मैरिनेट करके हम रख देंगे इसको। ये पीस के ये भी डाल देंगे, और बस बाकी ये चीज़ें हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको मैरिनेट करके तो हम रखते हैं, हमने मटन मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको 3 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। मटन को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम ऑयल गरम करते हैं। ये हमने ऑयल डाला है, और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे। जब ये ठीक ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से, और एक पेपर पे, टिश्यू पेपर पे या अखबार पे आप बिछा के इसको बिछा के रखेंगे। प्याज हमने ब्राउन कर लिया है, हम यूं पेपर के ऊपर इसे बिछा देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब ये मैरिनेट किया हुआ मटन मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर बंद कर दूंगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये जल्दी हो जाए। और इसमें इसको भून के आधा कप पानी इसमें ऐड करूंगी, ताकि ये नीचे लगे नहीं और ये मज़े से हो जाए। साथ ही हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। हम छोटी इलायची जो ली थी हमने, ये थोड़ी सी खोल के वो ऐड कर दें, ताकि उसका जायका उसके अंदर आ जाए। और फिर हम इसको भूनेंगे, और फिर इसको 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी ऐड करके इसको बंद कर देंगे। मटन हमारा गल चुका है, अब हम इसमें ये जो प्याज थी ये चुरा थी वो डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे। और साथ में जो बादाम थे यूँ हमने कर लिए
छोटा पार्किन का ओनियन डाल दिए और थोड़ा वाटर के 4-5 ड्रॉप्स डाल दिए और इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देना। हमारा यम्मी रोगने गोश्त तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और ये सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, खुदा ताला करे यूं ही आपके दस्तरखान अच्छे अच्छे खानों से सजते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।